हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ पेयर ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड kx प्लस 9 बाय 2y इज इक्वल टू 12 हैज नो सॉल्यूशन देन k इज a क्या दिया है 2 बाय 3, b इज माइनस 3, c इज 3, d इज 3 बाय 2। ठीक है, तो आपको करना कैसे है इसको, अब इसके अंदर इसने क्या बताया है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन किसका होता है, हमारा पैरेलल लाइंस का। नो सॉल्यूशन दैट मींस इट्स अ पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइंस का हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं आता है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसके इक्वेशन में होता क्या है, हमारा इसका इक्वेशन हमारा क्या होता है, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन होता है। अब इसके अंदर हमारा इक्वेशन ए वन क्या है, वॉट इज ए वन, तो ए वन इज आवर टू, ए वन हमारा फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू क्या है हमारी टू, तो यहां पर आ जाएगा हमारा टू। ठीक है, बाई ए टू इज सेकेंड इक्वेशन का वैल्यू, एक्स के आगे क्या है के, तो हमारा आ गया के, दिस इज इक्वल टू बी वन, बी वन हमारा क्या है यहां पर y से पहले 3, तो 3 बाई बी टू, वाई से पहले क्या है 9 बाई टू, 9 बाई टू। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 2 बाई के, पहले ये लिख लो, इज इक्वल टू 2, अपसाइड जाएगा क्योंकि 3 बाई वन है, तो ये ऊपर चले जाएगा 9 इंटू वन, तो 3 इंटू टू, 3 इंटू टू बाई 9। ठीक है, कट करोगे 3 वन जा 9 3 टाइम्स, है ना, तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 2k इज इक्वल टू 6, 3 इंटू टू इज 6, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6 बाई 2, दिस इज इक्वल टू, कट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 3, तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3, तो k की वैल्यू हमारी 3 कहां पर है, यहां पर, ये रही c, तो c इज आवर आंसर। आपका क्वेश्चन है इफ p के कोऑर्डिनेट्स क्या है, माइनस a बाई 3 कॉमा 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स Q दैट इज माइनस 6 कॉमा 5 एंड R इज माइनस 2 कॉमा 3, देन द वैल्यू ऑफ A इज, A क्या वैल्यू दे रखी है, फर्स्ट ऑप्शन आपका माइनस 4, सेकेंड माइनस 12, थर्ड इज 12 एंड फोर्थ वन इज माइनस 6। ठीक है, तो इसमें से क्या ऑप्शन है आपको फाइंड आउट करना है। इसने इनिशियल में बता दिया कि ये कहां पर है आपका मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट में होता क्या है हमारा, ये दोनों को ऐड डिवाइडेड बाय 2, ये जो पॉइंट है हमारे कैसे हैं मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले तो यहां पर आपका Q है, ठीक है, यहां पर आपका R है, तो Q की वैल्यू क्या है माइनस 6.5 और R की वैल्यू है माइनस 2.3। ठीक है, इसके सेंटर में यहां पर एक पॉइंट है दैट इज P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस a बाय 3.4। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, ये वैल्यू और ये वैल्यू डिवाइडेड बाय, दोनों को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हमारा x कोऑर्डिनेट
तो x में क्या हो जाएगा हमारा माइनस सिक्स माइनस टू बाई टू, दिस इज इक्वल टू माइनस एट बाई टू इज इक्वल टू माइनस फोर, कितना हो गया हमारा माइनस फोर, ठीक है। एंड y में क्या हो गया हमारा y इज इक्वल टू फाइव प्लस थ्री, फाइव प्लस थ्री बाई टू, दिस इज इक्वल टू एट बाई टू इज इक्वल टू, कट करोगे तो आपका आ जाएगा फोर, ठीक है। अब आपका मिड पॉइंट में क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से तो हमने कर लिया, बट माइनस फोर इज इक्वल टू दिस वैल्यू, माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस ए बाई थ्री, ठीक है। आपको वाई वैल्यू की जरूरत नहीं है क्योंकि वाई वैल्यू में आपका पहले से वैल्यू दे रखी है, इसलिए इसको आपको करने की जरूरत नहीं। तो माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस ए बाई थ्री, माइनस और माइनस दोनों साइड में है तो कट हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा ए इज इक्वल टू थ्री इंटू फोर, दैट इज इक्वल टू 12, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 12, ठीक है।